हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, आपको पता ही होगा मैं रेगुलरली जो है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में वीडियो बनाता ही रहता हूँ, एंड स्पेशली फॉर द सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी निकलती है उसके बारे में वीडियो बना के जरूर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो आज के वीडियो में ऐसी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों NTPC लिमिटेड जॉब रिक्रूटमेंट 2023-4। उस पर 100 इंजीनियर जो है उनकी वैकेंसी निकली है और सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है। तो ये जो वीडियो है इसके बारे में हम बात करेंगे कि कितनी पोस्ट है, नंबर्स ऑफ वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, पे स्केल, एप्लीकेशन फी, कैसे अप्लाई करना है, और दोस्तों लास्ट डेट एंड डेट, सारी डिटेल दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे इसी तरह की जो वीडियो है आपको रेगुलरली मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह है NTPC लिमिटेड जॉब रिक्रूटमेंट 2023-24। NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कंपनी जो है गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट की, राइट। तो उसके अंदर 100 इंजीनियर जो है उनकी पोस्ट निकली हुई है। अब इसके अंदर 100 जो है, राइट, इंजीनियर्स की पोस्ट है, उसमें से बी सिविल और मैकेनिकल की, तो मतलब 35 सिविल की है, 35 मैकेनिकल की है, और दूसरी बाकी वैकेंसी है वो भी मैं इसके जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे एज लिमिट देखिए कितनी है, 35 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी एज 35 से अंदर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू रखा जाएगा, दोनों में से एक चीज में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। कैंडिडेट ज्यादा हुए तो रिटर्न टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छा पे स्केल आपको मिल रहा है। कितना है, 50,000 से लेके 1,60,000 पर मंथ की सैलरी आपको इसके अंदर मिल सकती है, ठीक है। बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। एप्लीकेशन फी ऑल अदर कैंडिडेट 300 रुपीज है, और SC ST PWBD XM फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे कोई फी नहीं है, ठीक है। अगर आप में से कोई फीमेल कैंडिडेट आपकी फ्रेंड वगैरह है तो आप उसको बता सकते हैं कि इसमें कोई फी नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 20 दिसंबर 2023 मतलब कल से ही दोस्तों ये पोर्टल जो है ओपन हो चुका है अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट दोस्तों 3 जनवरी है, ठीक है। 3 जनवरी से पहले आपको अप्लाई करना है, 10-15 दिन है आपके पास अप्लाई करने के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट है वो रेडी करने के लिए, और रेडी करके आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अब वो देख लेते हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अगर मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिसकी वजह से आपको फिर पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ओके, तो ये NTPC लिमिटेड, ये उसका ऑफिशियल न्यूज़पेपर वाला जो है वो है। तो NTPC लिमिटेड रिक्वायर्ड लार्जेस्ट, ओके, ये तो उसका इंट्रोडक्शन है। NTPC लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस इंजीनियर इन एरा प्रोजेक्ट इरेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन एट ई टू लेवल पे दोस्तों आपको यहाँ पे पोस्ट मिलने वाली है, राइट। बहुत अच्छी मानी जाती है, सैलरी 1 लाख से ऊपर होती है ये जो लेवल है इसके अंदर। अब बात करेंगे इसके अंदर नंबर्स ऑफ पोस्ट की बात करें तो इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्शन उसकी 30 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन चाहिए BE/BTECH इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद 50% मार्क्स होने चाहिए। आपने जो भी आपकी स्टडी है BE/BTECH में, उसमें एटलीस्ट 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस प्रोफाइल, मिनिमम 4 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, राइट। मतलब एक्सपीरियंस 4 साल का मांगा गया है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे नेम ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर की 35 वैकेंसीज है। BE/BTECH डिग्री इन मैकेनिकल है, उसमें भी 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मांगा गया है। नेम ऑफ पोस्ट सिविल कंस्ट्रक्शन, राइट, उसके अंदर 35 पोस्ट है BE/BTECH इन सिविल कंस्ट्रक्शन विद एटलीस्ट 50% एग्रीगेट, और मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। मतलब अगर आपने 4 साल का एक्सपीरियंस तो आप जरूर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट की बात करें तो 35 है, वो जैसे मैंने बताया लेवल पे जो रहेगा वो E2 ग्रेड का रहेगा। IDA 50,000 से लेके 1,60,000 का यहाँ पे आपको पे स्केल मिलने वाला है। अब देखिए डिसिप्लिन वाइज अगर देखिए, इलेक्ट्रिकल इरेक्शन की 14 वैकेंसी है, अनरिजर्व की 14 है, EWS की 2, OBC की 8, SC की 4, ST की 2 वैकेंसी है, टोटल मिलाकर 30 वैकेंसी है। मैकेनिकल की 16 है, अनरिजर्व की, EWS की 3, OBC की 9, ST की 5, SC की 5, ST की 2 वैकेंसी।
सिविल की 16 है अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 9, एससी की 5, एसटी की 2 वैकेंसी, टोटल मिला के 35 वैकेंसी। और टोटल आप सबको करोगे तो 100 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और हेल्थ रिलेटेड जो भी है इश्यू आप ये पढ़ सकते हैं, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अप्लाई करने के लिए नेशनल जो इंडियन नेशनल है उन्हीं वही अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें नहीं पढ़ता हूँ, इंपॉर्टेंट जो है अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड हैव लॉग ऑन टू वेबसाइट career.ntpc.co.in, ये वेबसाइट है और ये दूसरी वेबसाइट है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने बताया था 300 रुपीज एप्लीकेशन फी है और बाकी सबके लिए नील फी है। पेमेंट रेट जो होगा सो वो कलेक्शन फीस ओपनिंग अकाउंट, ये जो अकाउंट नंबर है राइट इस पे होगा, पे इन स्लिप आपको करना होगा, ठीक है। तो ये भी आप डिटेल पढ़ लेना। ऑनलाइन मोड रहेगा राइट, ऑनलाइन मोड के लिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब एक्सेप्ट किया जाएगा। और यहाँ पे लास्ट डेट और एंड डेट सारी चीजें, आप 20 तारीख से स्टार्ट हो गया, 3/1 जो है इसका लास्ट डेट है, ठीक है। अब हम करेंगे इसका जो इसके अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए ये जो है career.ntpc.co.in, ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको इस तरह से पेज दिखेगा, तो यहाँ पे आपको यूजर रजिस्ट्रेशन और ईमेल एड्रेस मांगेगा लॉग इन करने के लिए। पर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है, न्यू रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको क्या है, कैंडिडेट नेम, तो आपको क्या करना है मिस्टर, और यहाँ पे आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जनरल जेंडर सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सब कैटेगरी अगर कोई है तो वो राइट, जो भी ये रेड वाला है ये मैंडेटरी है, ये आपको फिल करना ही होगा। फादर्स नेम टाइटल मिस्टर, फादर्स नेम लिखना होगा। फादर्स ऑक्यूपेशन आपको सिलेक्ट करना हो, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मदर का जो है मिसिस और उसका नाम और उनका जो ऑक्यूपेशन है वो सिलेक्ट करना होगा जो भी है राइट। उसके बाद करंट एड्रेस जो भी है वो डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन है वो उसके आंसर कर दिए, मैरिटियल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, वो भी आपको लिखना होगा राइट। ये सारी चीजें, डेट ऑफ मैरिज लिखना होगा और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, फादर डेट ऑफ बर्थ एंड मदर डेट ऑफ बर्थ जो है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जरूर से डालना, सेव और रजिस्टर करके फिर यहाँ पे लॉग इन करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लास्ट डेट इसकी 3 जनवरी है, उससे पहले आप इसके अंदर अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेज भी आपको मिल रहा है और गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कंपनी है तो जॉब सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी रहती है। तो इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा।